को प्ले जोन लेकर जाता है बिकॉज़ अभी ये प्ले जोन के बाहर थे एंड टीएस मेंट्री जी गॉट बी प्ले जोन से जाते हुए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टीएसएम एंटिटी के लिए. प्लेयर्स ने किल्स तो डिनाई करे बट वो वैसा भी नहीं करना चाहते थे. तो मीनवाइल पावर हाउस के ऊपर दिक्कतें बढ़ती हुई. सामने से जो आईएनईएस के प्लेयर्स है वो एक एक करके इन्हें फिनिश कर रहे. दो प्लेयर्स पावर हाउस के डाउन करे गए थे. ईविल आई और जो इनकी टीममेट है काफी वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह अपनी टीम को और आगे लेकर जाए. जो पावर हाउस के दो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं उनको भी इस गेम से बाहर निकाल दिया जाए. डार्क और आइकॉनिक एक और यहाँ पे किल कन्फर्म होता हुआ बट ओ हो सेल्स अल्ट्रॉन ने वो किल चुरा लिया था ज़ेब्रा का. एग्जैक्टली अब आगे सेल्स की स्क्वाड मूव करना शुरू करेगी धीरे धीरे लेकिन स्पॉटेड तो है वो और स्पॉटेड होने के साथ साथ उनके ऊपर स्प्रे आने वाला है काफी ज्यादा. इविल आई की इविल एक्चुअली उनको स्पॉट कर रही है एंड एक और गोली अगर वहां पर सेल्स के प्लेयर्स को लग जाती तो प्लेयर्स वहां पर पोटेंशियली डाउन हो सकते थे. इनके राइट में यहाँ पर पावर हाउस का स्क्वाड आता है गर्ल के स्मोक ही डाउन हो चुके हैं एसके 49 के द्वारा एंड सेल्स के रॉक्स को नॉक किया जाएगा. सेल्स के रॉक्स को फिनिश किया जाएगा गॉडल के स्क्वाड गॉडल गिल के पास. अब इसी वो किल कंफर्मेशन लेते हुए किंग एग्जिस्टेंस स्टिल ट्राई कर रहे हैं स्पॉट करने का प्लेयर को. एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं दूसरे प्लेयर को भी और आगे वहां पर लेकर जा सकते हैं एंड हेल्थ काफी ज्यादा कम. फर्स्ट एड लगाना चाहेंगे पेन किलर्स लेना चाहेंगे अभी के लिए. अब देखिए कितनी टीम सर्कल के बाहर है. हाइप का स्क्वाड सेल्स के प्लेयर्स पावर हाउस टीम तमिलाजी सब प्लेयर्स अभी के लिए सर्कल के बाहर रहेंगे एंड हाइप के प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें कर दी हैं एंड साथ के साथ गिल और एग्जिस्टेंस की जोड़ी प्लेयर्स को फिनिश करती रहेगी. हाइप के प्लेयर्स को अलग तरीके से वहां पर पिन ऑफ करके रखा था. आईएनईएस का एलिमिनेशन होता हुआ 8 पर एंड टीम तमिलनाडु जाती हुई हमारी 7th पोजीशन पर अभी के लिए. अब बची हमारे पास 6 टीम्स 13 प्लेयर्स इसमें जिंदा है जिसमें फिर से एक बार गॉड लाइक फर्स्ट पोजीशन पर चल रही है. 6 किल्स कंफर्म कर चुके हैं. चारों के चारों प्लेयर्स गेम के अंदर जिंदा है. ये आई थिंक आगे निकल के ही दम लेंगे सिनर्जी से. उन्होंने दिन स्टार्ट किया था चिकन डिनर से. दिन को एंड भी वो चिकन डिनर के साथ ही करना चाहते हैं. यहाँ पर वीएसजी क्रॉलर्स के प्लेयर्स ट्राई करते हुए अपने लिए भी किल्स एंड नॉक्स निकालना चाहें तो